आगे हम यदि गांव पहले भी गांव ने इसके लिए दो तीन तक लगातार हड़ताल की है और क्या ना जबरदस्त आंदोलन हुआ है और पूरा गांव बंद रहा है और बीच में जो है एमएलए साहब ने आकर के उसको पहले वाले प्रस्ताव को रद्द करवाया है और जो प्रस्ताव गांव चाहता था वहां के लिए भिजवाया है। अब यदि उसके बावजूद भी भिनाई में राजकीय महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध, ग्रामवासियों ने पशुपालन विभाग पर मामले को अटकाने का लगाया आरोप। भिनाई ग्राम से आए प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भिनाई में कॉलेज भवन व परिसर के लिए जमीन की उपलब्धता का मामला राज्य स्तर पर पशुपालन विभाग द्वारा अटकाए जाने के आरोप लगाते हुए इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। ग्राम विकास समिति भिनाई के सचिव सत्यनारायण ने बताया कि भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है, पशुपालन विभाग के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में अनुपयोगी अंकित की हुई है। लगभग 60 वर्षों से पशुपालन विभाग द्वारा ना तो उक्त भूमि का उपयोग किया गया और ना ही इस भूमि पर पशुपालन विभाग की कोई योजना प्रस्तावित है। यह जमीन तहसील भिनाई से बांदनवाड़ा मार्ग पर मात्र 3 किलोमीटर सड़क किनारे स्थित है। इस जमीन को राजकीय योजनाओं हेतु परिवर्तित किए जाने के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर को 10 फरवरी 2021 को पत्र लिखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। विकास मंच भिनाई व प्रबुद्ध जनों ने राज्य स्तर पर सतत प्रयास जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से लेकर तमाम मंत्रियों तक को पत्र लिखकर भिनाई में महाविद्यालय के लिए जमीन तत्काल आवंटित करने की अपील की गई है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने बताया कि यदि इस मामले में आंदोलन करना पड़ा तो समस्त गांवों के लोग आंदोलन भी करने पर उतारू हो जाएंगे, लिहाजा प्रशासनिक और राज्य स्तर पर इस मामले को तत्काल निपटाया जाए। हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भिनाई के लिए कॉलेज के घोषणा की है, भिनाई में कॉलेज बनाने की घोषणा की है, उसको स्थानीय प्रशासन अपनी हठधर्मिता से वो जो अन्य जगह पर उसको ले जाना चाह रहा है, इसके विरुद्ध हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भिनाई में ज़मीन अवेलेबल है, उसी ज़मीन पर भिनाई के लिए कॉलेज उसी ज़मीन पर बनना चाहिए और वो मुख्यमंत्री साहब महोदय की जो घोषणा है उसको फेल करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आगे क्या रहेगा? आगे हम यदि गांव पहले भी गांव ने इसके लिए दो तीन तक लगातार हड़ताल की है और क्या ना जबरदस्त आंदोलन हुआ है और पूरा गांव बंद रहा है और बीच में जो है एमएलए साहब ने आकर के उसको पहले वाले प्रस्ताव को रद्द करवाया है और जो प्रस्ताव गांव चाहता था वहां के लिए भिजवाया है। अब यदि उसके बावजूद भी वो स्थानीय प्रशासन उसके बावजूद भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो फिर ये गांव तो वही है, फिर से आंदोलन होगा, फिर से एजिटेशन होगा और फिर से इस प्रकार से जो है एक तरीके से जो है वो शांति जो है गांव की थोड़ी इधर उधर आसपास थोड़ी और 24 पंचायतों के सरपंचों की सबकी मांग के ऊपर यदि आप पानी फेरेंगे तो सब लोग जो है एजिटेशन करेंगे और आंदोलन करेंगे और इसके लिए जो है जिम्मेदार गांव यहाँ की पब्लिक नहीं होगी।